सो गाइस, ये होने वाला है गॉडेस कैफेटेरिया का एपिसोड 3। सो बिना ज्यादा किसी बकवास के चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम हयातो और ओका को देखते हैं, जो एक दूसरे से फाइट कर रहे थे क्योंकि हयातो ने वॉशिंग मशीन में ओका के कपड़ों के साथ अपना एक सॉक्स डाल दिया था, जिसकी वजह से ओका उस पर नाराज हो रही थी। सो हयातो उससे बोलता है कि हम अलग अलग करके अगर सभी के कपड़े धोएंगे तो इससे पानी और बिजली का बिल बहुत ज्यादा बढ़ेगा। उसके समझाने के बावजूद भी ओका उससे लड़ती रहती है एंड उन दोनों की इस तरीके की लड़ाई रियो सैन वहीं से छुपकर देख रही थी। एंड उसके कुछ देर बाद हम रियो को हयातो से बात करते हुए देखते हैं, जहां पर रियो हयातो से बोलती है कि उसे ओका के साथ हर वक्त लड़ते नहीं रहना चाहिए। सो हयातो बोलता है कि ओका हर एक छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करती रहती है। तभी रियो बोलती है कि आखिर ऐसे कैफे में कौन आना चाहेगा जहां पर एम्प्लॉयज और ओनर दोस्तों एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हो। तुम्हें कैफे के अंदर एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाना होगा। एंड उसके बाद रियो हयातो से ये भी बोलती है कि आखिर वो कौन था जिसने कहा था मैं इस कैफे को आगे बढ़ाऊंगा। सो हयातो बोलता है कि वो तो मैं था। और तभी रियो सैन वहां से जाते जाते हयातो से ये बोलती है कि भरी दोपहरिया में लैपटॉप पर अश्लील चीजें देखना बंद करो। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि जो हयातो था वो तो अपने स्टॉक्स चेक कर रहा था शेयर मार्केट में। एंड उसके बाद यहाँ सीन बदलता है और हम ओका को कपड़े सुखाते हुए देखते हैं, जहाँ पर हयातो उसे देख रहा था और वो सोच रहा था कि उसने मुझसे सही कहा है, मुझे इन सभी के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना होगा। एंड हयातो उस टाइम पर ये भी सोचता है कि अगर इसने कैफे में सभी के सामने कुछ ऐसी वैसी बात कर दी तो जो हमारे फीमेल कस्टमर्स होंगे वो कैफे में नहीं आएंगे, इसी वजह से मुझे इसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना ही होगा। लेकिन आखिर कैसे, वो वहाँ पर ये भी बोलता है इससे दोस्ती करना लगभग एक जंगली बीस्ट से दोस्ती करने जैसा होगा। सो वहीं पर बैठी अकाने हयातो से बोलती है उसकी थोड़ी तारीफ किया करो, तुम ये काम करने में काफी अच्छे हो। सो हयातो उससे बोलता है कि बकवास करना बंद करो, क्योंकि जब मैंने तुम्हारी तारीफ की तब तुम्हें तो इससे घंटा फर्क नहीं पड़ा। सो जैसे ही अकाने उसकी ये बात सुनती है, हम देखते हैं यहाँ पर वो थोड़ा शर्माने लगती है और वो हयातो से ये बोलती है कि उसे तारीफें सुनने की आदत सी हो गई है। लेकिन तभी वहाँ पर एमी चैन आती है, जो ओका से पूछती है कि आखिर उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल क्यों रखा हुआ है। सो उसकी बात सुनकर अकाने वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि मैं कॉफी पीने जा रही हूँ। और तभी अगले पल में ओका हयातो से बोलती है कि आखिर तुम वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, कुछ काम धंधा नहीं है तुम्हें। सो हयातो उस पर गुस्सा करने ही वाला था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उससे लड़ना नहीं है। एंड वो बहुत ही जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करता है एंड वो इतने अजीब तरीके से ओका की तारीफ करता है कि उसे वो तारीफ कम बेइज्जती ज्यादा लगती है। सो ओका को उसकी बात सुनकर बुरा लगता है एंड वो हयातो के चेहरे पर अपनी चप्पल मार देती है और वो हयातो से ये बोलती है कि आखिर इस तरीके का घटिया चेहरा क्यों बना रहे हो। एंड उसके बाद हयातो भी उस पर चिल्लाने लगता है एंड इसी के साथ उन दोनों की लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। एंड उन दोनों की लड़ाई को देख एमी चैन बोलती है कि ये दोनों तो बिल्कुल बकरी और घोड़े की तरह लड़ रहे हैं। लेकिन वहीं पर खड़ी शिरागी कुसेन बोलती है मुझे तो ये दोनों डॉगी और मंकी की तरह लग रहे हैं। एंड वहां पर शिरागी कुसेन ये भी बोलती है कि उसे नहीं लगता कि हयातो एक बुरा लड़का है। सो उसकी बात सुनकर एमी चैन बोलती है हाँ, लेकिन वो थोड़ा ठरकी है, लेकिन वो तुमसे ज्यादा ठरकी नहीं है। सो उसकी बात सुनकर शिरागी को कुछ समझ में नहीं आता। एंड उसके बाद यहाँ पर रात हो जाती है और हम हयातो को कॉफी बनाते हुए देखते हैं, जहाँ पर हयातो हमें बताता है कि आज का डिनर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था क्योंकि ओका ने खाने में वाइन विनेगर की जगह असली वाइन डाल दी थी। और वो वहाँ पर ये भी बोलता है कि उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो किस चीज के लिए उसे की तारीफ करे। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जब हयातो अपने कमरे में जा रहा था, वहीं रियो सैन आकर हयातो से बोलती है कि क्या वो ओका को ये बता सकता है कि नहाने का पानी गर्म हो गया है। सो वो नहा सकती है। उसके बाद जब हयातो ओका के कमरे में आता है उसे बताने के लिए, तब वो ओका को मेट की ड्रेस में देखता है। ओका उसे देखकर उसे कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हयातो उससे पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। सो ओका उसे बताती है कि मैं तो बस कपड़े पहनकर चेक कर रही थी कि सब कुछ कपड़े फिटिंग के है ना, क्योंकि यही कपड़े पहनकर हम कैफे में काम करने वाले हैं। उन कपड़ों को देखकर हयातो ओका से कहता है कि इन कपड़ों में तुम थोड़ी बहुत बेहतर लग रही हो। सो ओका उस पर चिल्लाकर बोलती है कि क्या कहा तुमने। उसकी बात सुनकर हयातो सोचता है कि अरे नहीं, अब मैं करूं क्या। सो हयातो उसे बोलता कि तुम भले से इतनी अच्छी ना हो, लेकिन ये ड्रेस बहुत अच्छी है और हमारे कैफे में काफी कस्टमर्स आ सकते हैं सिर्फ इन्हीं यूनिफॉर्म्स को देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। लेकिन अगले ही मोमेंट में हयातो को ये रियलाइज होता है कि तारीफ करने की वजह यहाँ पर तो उसने बेइज्जती कर दी ओका की, और अब ओका मुझ पर बहुत नाराज होने वाली है। लेकिन जो ओका होती है वो हयातो को थैंक्स बोलती है। सो हयातो उससे हैरान होते बोलता है कि मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा था, मैं तो यूनिफॉर्म की तारीफ कर रहा था। सो ओका उससे बोलती है कि हाँ, मैं इसीलिए तो तुमसे थैंक्स बोल रही हूँ क्योंकि ये जो यूनिफॉर्म है ना वो मैंने बनाई है। सो उसके बाद ओका हयातो को ये बताती है कि जिस टेक स्कूल में वो जाती है ना, वो एक फैशन स्कूल है जहाँ पर वो थोड़ा कॉस्ट्यूम डिजाइन के बारे में सीखती है। उसके बाद ओका हयातो से ये भी बोलती है कि एक बार ग्रैंडमा ने उससे कहा था
कि हयातु की जुबान बहुत ज्यादा कड़वी है, लेकिन वो कभी भी झूठ नहीं बोलता किसी से। इसी वजह से हम ओका को बहुत ज्यादा खुश देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हयातु ने उसकी ड्रेस की सच्ची तारीफ की है। और तभी ओका हयातु से ये भी बोलती है कि जो उसकी कॉफी है ना, उसका टेस्ट और भी ज्यादा बेहतर होता जा रहा है। उसकी बात सुनकर जो हयातु होता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन अगले ही पल में वहाँ पर शीरा गीकू आ जाती है, जो हयातु के साथ अजीब सी हरकत करने लगती है। एंड उसकी ऐसी हरकत देखकर हयातु को याद आता है कि अरे भैया, इसने भी वो वाइन मिलाया हुआ खाना खाया था। एंड तुम लोगों को तो पता ही होगा कि अगर शीरा गीकू थोड़ी सी भी शराब पी लेती है तो वो बहुत ज्यादा ठरकी हो जाती है। एंड तभी वहाँ पर एमी चैन आती है, जो उन दोनों की ऐसी तस्वीरें खींचने लगती है जहाँ पर शीरा गीकू हयातु से चिपकी हुई है। और वो ओका को बताती है कि ये फोटो वो इसीलिए खींच रही है ताकि वो शीरा गीकू को बता पाए कि वो कितनी बड़ी ठरकी है। एंड उसके बाद एक खूबसूरत रात में उनकी ऐसी ही बातें होती रहती हैं। उसके अगले दिन में हम हयातु को उसके लैपटॉप में काम करता हुआ देखते हैं, लेकिन वहाँ पर जो एमी चैन थी वो उसे काफी ज्यादा तंग कर रही थी। उसके बहुत ज्यादा तंग करने की वजह से हयातु को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि चुप हो जा और जाओ मेरे लिए कुछ कॉफी लेकर आओ। एंड उसके अगले पल में हयातु को शीरा गीकू की आवाज आती है, जो उसे बोलती है कि चलो हम चलते हैं। और हम देखते हैं कि हयातु का लैपटॉप और उसका फोन वहीं पर पड़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर हो जाती है और हयातु हमें बताता है कि वो और शीरा गीकू दोनों हमारे डेली बेसिस के सामान लेने के लिए गए थे। एंड उसके बाद हम उन सभी को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर हयातु उन सभी को बताता है कि कल से उनका फैमिली कैफे ओपन होने वाला है। ये बात सुनकर अकाने बोलती है कि चलो सेलिब्रेट करते हैं। सो शीरा गीकू बोलती है हाँ, अच्छे खाने के साथ थोड़ी शराब भी लाऊंगी मैं। सो ओका बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। सो ओका को समझ में नहीं आता, क्योंकि दोस्त शराब पीने के बाद वो क्या करती है उसे कुछ भी याद नहीं रहता। और वहीं हयातु ये बोलता है कि अब हम भगवान से बस प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे कैफे में लोग आए कॉफी पीने के लिए। सो वो लड़कियां बोलती हैं कि उसे इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उसकी कॉफी का टेस्ट है वो अब काफी अच्छा हो गया है। लेकिन वहां पर जो एमी चैन थी वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, बिल्कुल चुपचाप थी। सो शीरा गीकू पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ एमी चैन, तुम इतना चुप चुप क्यों हो। सो उसके अगले ही पल में एमी चैन बोलती है अरे कुछ भी नहीं, अरे कल हमारा जो कैफे है वो फिर से रीओपन होने वाला है, हुर्रे। उसके बाद हयातु उन सभी को उनकी पेमेंट देता है, मंथली पेमेंट। सो वो लड़कियां पूछती है कि क्या तुम्हारे पास इतने पैसे थे जो तुम हमें पेमेंट दे रहे हो। सो हयातु उन सभी लड़कियों को बताता है कि वो काफी लंबे टाइम से कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, एंड जो स्टॉक्स की कीमत है वो बढ़ती ही जा रही है। सो उसकी बात सुनकर वो लड़कियां समझ जाती हैं कि आखिर उसके पास उन सभी की पेमेंट के लिए पैसे कहां से आए। उसके बाद सभी लड़कियां अपनी अपनी पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेती हैं, जो कि सिर्फ 20,000 येन ही थे। लेकिन वहां पर हम फिर से एमी चैन को बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ देखते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम हयातु को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो हमें बताता है कि वो बहुत ज्यादा खुश, क्योंकि वो सारी की सारी लड़कियां उसके साथ बहुत जल्द घुल मिल गईं। लेकिन उसे नहीं लगता कि उन सभी के एक साथ मिलने के बावजूद भी वो कैफे को अच्छे से चला पाएंगे। पर तभी वहां पर एमी चैन आती है, जो बोलती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो। एंड वो हयातु से ये पूछती है कि उसे क्या लगता है कि किसकी वजह से हम सभी लड़कियां उसके साथ इतना जल्दी घुल मिल गईं, हम सभी इतनी जल्दी एक फैमिली की तरह हो गए, आखिर हमें किसको इन सभी के लिए थैंक्स बोलना चाहिए। वो रीजन जिसकी वजह से हम सभी ने तुम्हें इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, हम सभी तुम्हें इतनी जल्दी समझ पाए, आखिर किसकी वजह से। सो तभी हयातु याद करता कि वो सभी लड़कियां सिर्फ एक ही बात बोलती हैं कि हमें तुम्हारे बारे में तुम्हारी दादी ने बताया। तभी हयातु बोलता है कि ये सब मेरी ग्रैंडमा ने इन लड़कियों को बताया है। उसके बाद एमी चैन हयातु से बोलती है कि तुम समझ गए कि आखिर वो कौन था। सो तभी हयातु एमी चैन को थैंक्स बोलता है उसे समझाने के लिए, और वो सोचता है कि मैं तो इसे बेवकूफ समझता था, लेकिन ये तो सच में काफी होशियार है। लेकिन तभी एमी चैन फिर से अजीब सी हरकतें करने लगती है जैसे वो पहले करती थी। सो हयातु सोचता है कि हाँ, मैं सही सोचता था कि ये एक नंबर की बेवकूफ है। उसके बाद एमी चैन वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी एमी चैन थोड़ा आगे चलकर रुकती है और वो हयातु से ये बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि जो चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ज्यादा प्रीशियस होती हैं हमारे लिए, वो इतनी आसानी से टूट जाती हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते। और अगर तुम्हारी वो कीमती चीज किसी दिन टूट जाती है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती होगी, और इसके लिए मुझे माफ कर देना। सो उस टाइम पर तो हयातु को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हयातु का फोन और उसका लैपटॉप बिल्कुल टूटा हुआ है। हयातु को समझ में नहीं आता कि ये क्या है और उसका फोन और लैपटॉप टूटे हुए क्यों है। सो तभी एमी चैन वहां पर जो खड़ी हुई थी छुपके से, वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाने के लिए गई थी, और वो जब मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आ रही थी तभी गलती से मेरे हाथों से मेरे डंबल्स छूट गए थे, जिसकी वजह से तुम्हारा फोन और लैपटॉप दोनों टूट गए। सो हयातु उस पर गुस्सा करने लगता है और वो बोलता है कि आखिर तुम डंबल्स हर जगह क्यों ले रखती हो। एंड हयातु को अब समझ में आ जाता है कि आखिर एमी चैन इतना चुप चुप क्यों थी लंच के टाइम पर। और तभी वहां पर शीरा गीकू सेन आती है, जो बोलती है कि हयातु जिस कंपनी में तुमने अपने स्टॉक्स इन्वेस्ट किए थे उसमें कुछ दिक्कत आ गई है और वो किसी स्कैंडल में फंस गई है और वो बैंकक्रप्ट हो गई है जिसकी वजह से। सो तभी हयातु बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है कि मुझे उन स्टॉक्स को बेचना होगा। लेकिन
उसका लैपटॉप तो काम ही नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती। तभी शीला की कुसन बोलती है कि तुमने और भी कंपनियों में इन्वेस्ट किए होंगे ना पैसे। सुहाया तो बोलता है कि मैंने किए थे, लेकिन ये कंपनी के जो स्टॉक्स है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, इसलिए मैंने अपने दूसरे जो स्टॉक्स थे वो इसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। अब हम समझ पाते हैं कि अब हयातो के पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची हुई है। सो तभी एमीशन बोलती कि अगर वो चाहे तो अपना दुख दर्द कम करने के लिए उसके संतरे दबा सकता है। लेकिन यहाँ पर हयातो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इस बार वो एमीशन को ही कूटने लगता है। एमीशन उससे माफी मांगती जा रही है लगातार। उसके बाद अगला दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनका जो कैफे है वो फिर से ओपन हो गया है और उनके कैफे को और भी ज्यादा फेमस करने में जो ये यूनिफॉर्म्स हैं वो काफी ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। सो ओका बोलती है कि तुम सीधे सीधे ये नहीं बोल सकते कि हम बहुत ज्यादा प्रेटी लग रहे हैं। हयातो बोलता है कि चुप रहो। एंड उसके बाद हयातो बोलता है कुछ रीजंस की वजह से इस कैफे के पास जीरो फंड्स हैं, इसी वजह से सभी लोग फोकस रहेंगे। एंड उसके बाद हम ओका को देखते हैं जो अकाने की यूनिफॉर्म को ठीक कर रही थी। तभी हयातो अकाने से बोलता है कि उस पर ये यूनिफॉर्म काफी अच्छी लग रही है, वो बिल्कुल किसी यंग रिच लेडी की तरह लग रही है। उसकी बात सुनकर अकाने फिर से शर्माने लगती है एंड वो हयातो के सिर पर एक केटली रखकर उसे थैंक्स बोलती है। हयातो उनसे बोलता है कि तुम सभी को अपने काम पर ध्यान रखना होगा। सो तभी रियो सेन बोलती है कि तुम्हें भी अपने काम पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारे कैफे में आने वाला हर कोई पर्सन कोई अच्छा नहीं होगा, इसी वजह से तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। अगर तुम्हें किसी पर गुस्सा आए तो उससे शांति से बस यहाँ से चले जाने के लिए कह देना। सो हयातो उनसे बोलता है कि ठीक है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, तुम्हें इस तरीके से मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। एंड उनकी ऐसी बातें चल रही थी तभी उनके पहले कस्टमर्स आते हैं। वहां पर सारी की सारी लड़कियां उनका अच्छे से स्वागत करती हैं। उसके बाद ओका उनके ऑर्डर्स लेती है एंड दूसरी तरफ हयातो उनके लिए कॉफी बना रहा था। उसके बाद जब एक बंदा हयातो के हाथ की बनी कॉफी पीता है तो उसे वो काफी अच्छी लगती है और वो वहां पर ये भी बोलता है कि इसका टेस्ट बिल्कुल पिछले ओनर के टेस्ट जैसा ही है, यानी कि हयातो के दादी के जैसा। ये सुनकर सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं। तभी वहां पर शीरा की कुछ सेना आती है उन दोनों के पास और वो बोलती है क्योंकि ये कॉफी पुराने ओनर के ग्रैंडसन ने बनाई है। जिसके बाद वो दोनों हयातो की तारीफ करते हैं एंड उसके बाद वहां पर और भी कस्टमर्स आने लगते हैं और वो सभी उनका वेलकम करते हैं। हम देखते हैं हयातो के कैफे में काफी सारे लोग आ चुके हैं। अब सभी लड़कियां अपना अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हैं, लेकिन तभी वहां पर एक और बूढ़ा आदमी आता है। उस आदमी को देखकर हयातो को याद आता है कि ये तो वही आदमी है जिसके सामने मेरी दादी हमेशा झुकी रहती थी और मेरी दादी हमेशा उससे माफी मांगती रहती थी। उसके बाद वो आदमी एक टेबल पर बैठता है और हयातो से बोलता है कि मुझे यहाँ की मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफी चाहिए। उसकी बात सुनकर हयातो उसके लिए कॉफी बनाने लगता है और उस आदमी को देखकर वो लड़कियां होती हैं वो भी समझ जाती कि ये तो वही बुरा आदमी है जो ग्रैंड माँ को हमेशा नीचा दिखाता था। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी हयातो से पूछता है कि क्या तुम उस बूढ़ी औरत के पोते हो। हाँ, हयातो बोलता है हाँ। और दूसरी तरफ ओका और एमीचेन दोनों प्लानिंग कर रहे थे कि अगर हयातो ने यहाँ पर लड़ने की कोशिश की, उसे गुस्सा आया, यहाँ पर उन दोनों को ही सबको संभालना होगा। उसके बाद हम देखते हैं वो बूढ़ा आदमी हयातो से बातें करने लगता है। हयातो उस बूढ़े आदमी से बोलता है कि आपने मेरी दादी के लिए और इस कैफे के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक्स। सो वो आदमी बोलता है कि तुम्हें ये बात झुककर कहनी चाहिए थी, तुम्हारी दादी झुकने में बहुत अच्छी थी, वो हमेशा मेरे सामने झुकी रहती थी, मैं जहाँ पर भी उन्हें बुलाता था वो आती थी और वो हमेशा मेरे सामने मुझसे झुककर ही बात किया करती थी, उनकी कॉफी से ज्यादा मुझे उनके झुकने का पोस्चर अच्छा लगता था। हयातो को उसकी बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो फिर भी उसके सामने झुक जाता है। ये देखकर वो लड़कियां बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं और तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम्हारे झुकने का पोस्चर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम्हारी ग्रैंडमा बहुत अच्छे तरीके से झुका करती थी मेरे सामने। एंड वो यहाँ पर हयातो की दादी की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है एंड उसकी बातें सुनकर हयातो को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। एंड दूसरी तरफ हयातो को उसकी दादी की बात याद आ रही थी कि कैफे में आने वाला हर एक पर्सन उनकी फैमिली का एक मेंबर ही है। और तभी अगले पल में हयातो उस आदमी की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। तुम लोगों को क्या लगता है, उसे मारने के लिए? नहीं नहीं नहीं, बल्कि बाकी दूसरी लड़कियों को रोकने के लिए, क्योंकि हम देख ही सकते हैं वो सभी लड़कियां उस बुड्ढे को मारने के लिए उसकी तरफ आ रही थी। लेकिन हयातो उन्हें रोक लेता है और तभी हयातो उस बुड्ढे से बोलता है कि मुझे माफ कर देना, हमारे कैफे में एक कॉकरोच था और शायद से वो इस वक्त आपकी सीट के नीचे है, इसीलिए सभी उसे मारने के लिए आ रही थी। एंड अगले पल में उस बुड्ढे को कॉकरोच सुनकर गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि हयातो कॉकरोच उसी से कह रहा है। सो वो शीरागो की सैन की स्कर्ट को ऊपर उठा देता है। लेकिन अगले पल में हयातो उस बुड्ढे का हाथ पकड़ लेता है एंड उस बुड्ढे से बोलता कि आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए वरना सेक्सुअल हरासमेंट के चलते मैं आपको जेल में बंद करवा सकता हूँ। एंड हम देखते हैं वो ये सब बहुत गुस्से में बोल रहा था। एंड वहाँ पर जो दूसरे कस्टमर्स थे वो बोल रहे थे कि हाँ हाँ, हम इसके आई विटनेस हैं कि इस बुड्ढे ने ऐसी गंदी हरकत की है। उसके बाद वो बुड्ढा वहाँ से चला जाता है। एंड उसके बाद हयातो शीरा घीकू से पूछता है कि क्या वो ठीक है। सो वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ एंड तुमने अभी जो भी किया उसके लिए थैंक्स। उसके बाद हयातो शीरा घीकू से बोलता है कि तुम ना बाहर चारों तरफ नमक छिड़क दो जिससे यहाँ पर इस जैसे बुरे आदमी ना आ पाए। और दूसरी तरफ यो चैन हयातो से माफी मांगती है कि वो सभी उसे लेक्चर दे रही थी लेकिन उसकी जगह उन सभी लड़कियों को ही गुस्सा आ गया। सो हयातो उनसे बोलता है कि कोई बात नहीं,
एंड वहीं पर हायातो अकाने से ये बोलता है कि उसे किसी को डंडे से नहीं मारना चाहिए वरना हमारे ऊपर ही मुसीबत आ सकती है। तभी एमीचैन आकर हायातो से चिपक जाती है और बोलती है कि तुम कितने ज्यादा कूल थे उस टाइम पर जब तुमने उस बुड्ढे को यहाँ से जाने के लिए कहा। और तभी उका भी बोलती है कि तुम्हें उस वक्त ज्यादा गुस्सा आया ना जब उस बुड्ढे ने हमारी यूनिफॉर्म्स की बुराई की। सो हायातो बोलता है कि हाँ। एंड वहीं कैफे के बाहर हम शिरागी कुसेन को नमक छिड़कते हुए देखते हैं और वो वहां पर ये भी बोलती है कि हायातो 15 साल गुजरने के बाद भी तुम जरा से भी नहीं बदले। यानी कि दोस्तों जो शिरागी कुसेन है वो हायातो को पहले से जानती है। अब ये कैसे ये पता चलेगा आगे के एपिसोड्स में क्योंकि ये एपिसोड समाप्त हो गया है। सो अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो एंड प्लीज सपोर्ट मी। एंड अभी तक अगर हमारी दूसरी सीरीज नहीं देखी है तो जाओ देख लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।